सूबेदार ने सिर्फ दिल ही नहीं जीता है बल्कि बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड बनाया है। और एक चीज मैं बता दूं कि सूबेदार इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन इमोशन फॉर दी मराठा ऑडियंस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मराठा मूवी सूबेदार की। भाई बहुत ज्यादा इसने कलेक्शन कर लिया है, 5 करोड़ का कलेक्शन ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और ये सिर्फ एक रीजनल मूवी था, मतलब सिर्फ मुंबई वाला जो एरिया था जिसको आप बॉम्बई के नाम से जानते हो उस एरिया में ये रिलीज़ हुआ। और बहुत कम थिएटर्स के बावजूद, एक रीजनल लैंग्वेज में निकलने के बावजूद ये इतना ज़्यादा कलेक्शन कर चुका है। फ्राइडे को 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया है, सैटरडे को 1.69 करोड़ का कलेक्शन किया है, और जब संडे आया तो 2.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और सिर्फ 3 दिन में इसने 5 करोड़ का ऑलरेडी कलेक्शन कर लिया है। IMDb रेटिंग की बात करूं तो उसमें इसको मिला है 9.5 का रेटिंग, बुक माई शो में इस मूवी को मिला है 9.5 का रेटिंग, पेटीएम में इस मूवी को मिला है 96% का रेटिंग, और अगर गूगल रिव्यूज़ की बात करो तो वहां पे इस मूवी को मिला है 98% का रेटिंग। तो जी हां, ये एक चीज़ दर्शाता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आपका स्टोरी लाइन अच्छा है, अगर आप पूरा एक अच्छे से स्टोरी को दिखाते हो तो भाई आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो एक रीजनल मूवी हो या फिर बॉलीवुड मूवी हो या फिर हॉलीवुड मूवी हो। और आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में शायद इसको हिंदी थिएटर्स पे भी रिलीज़ करे, क्योंकि जितना ये कलेक्शन कर रहा है, जितना अच्छा इसका रेटिंग आ रहा है, शायद ये इंडिया में भी इसको बाकी लैंग्वेजेस में भी डब करके इसको रिलीज़ किया जाए। तो महाराज छत्रपति शिवाजी ने सिर्फ और सिर्फ बैटल में ही नहीं बल्कि मूवी में भी कॉन्कर कर लिया है। तो अगर आपने ये मूवी देख लिया तो आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि सूबेदार इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन इमोशन फॉर दी मराठा ऑडियंस। तो गाइज, अगर आपने ये मूवी रियली में देख लिया है या नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, और अगर आपने देख लिया है तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, बाय। It's not a game, it's a rap.